नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। आगजनी में अपना सब कुछ खोने वाले पीड़ित परिवार के घर पहुंचे समाज सेवी, कपड़ा राशन एस्बेस्टर देकर किया मदद। नमस्कार, सीसे से बड़ी खबर के साथ मैं कृष्णा कुमार साहू। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। सीसे थाना क्षेत्र के सकरोली निवासी जनक अहिर के घर में दिन बृहस्पतिवार को अचानक आग लग गई थी। आग लगने के समय घर में कोई नहीं था। देखते ही देखते पूरा घर धू धू कर जलने लगा और घर में रखे सभी सामान सहित बैल बेच कर रखे 90,000 नगद जल कर राख हो गया। घटना के बाद से पीड़ित पति पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित जनक अहिर अपने पत्नी के साथ दो कमरे का खपरेल का घर में रहते थे। उनकी बेटी का विवाह हो चुका है। वही घर में कोई अन्य सदस्य के नहीं रहने से घर जलने के बाद से दो वक्त का रोटी व सर छुपाने के लिए उन्हें भारी दिक्कत हो रही थी। जैसे ही घटना की सूचना प्रखंड के समाज सेवी मुकेश श्रीवास्तव, डेविड, पंकज साहू, रोहित शर्मा, प्रमोद साहू को हुई। वे तत्काल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। उसके बाद से जरूरत की वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए समाज सेवी दिन रात लगे रहे। दिन सोमवार को समाज सेवी मुकेश श्रीवास्तव डेविड की अगुवाई पर समाज सेवी पंकज साहू, रोहित शर्मा, प्रमोद साहू, रोहित घंटी, संदीप गोप ने एस्बेस्टर, सीसे वस्त्रालय के मिंटू ने साड़ी, धोती, लुंगी, बेडशीट, मच्छरदानी, मुखिया ने कंबल, विष्णु केसरे ने आलू दाल व ग्रामीणों ने राशन व दरवाजा देकर सहयोग किया। वहीं समाज सेवियों और ग्रामीणों के सहयोग से पीड़ित बुजुर्ग का पुनः घर का निर्माण किया जाएगा। बुजुर्ग पति पत्नी ने सभी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया है।